जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम कठपुरी में स्थित एक हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा हाईवे की सर्विस रोड के किनारे बने डिवाइडर पर मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा था, तो किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो वायरल कर दिया गया, जिसको जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह ने संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम कठपुरी पुलिस चौकी इंचार्ज प्रदीप मिश्रा तथा मय पुलिस बल के उप हॉस्पिटल पर पहुंची, तो हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। टीम में मौजूद डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में 44 मरीज इलाज करा रहे थे, जिनमें कुछ को डिवाइडर पर लेटाकर ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही थीं और कुछ मरीजों का इलाज क्लिनिक के अंदर किया जा रहा था। अनियमितता पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्लिनिक को सील करने की कार्यवाही की गई। हॉस्पिटल सील करने के बाद अपने साथ दो एम्बुलेंस लेकर आए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल चलने को कहा, तो ज्यादातर मरीजों तथा उनके तीमारदारों का कहना था कि हम सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहां इलाज के नाम पर सिर्फ दो गोलियां देकर घर भेज दिया जाता है। जांच टीम में पहुंचे डॉक्टर अशोक कुमार को जनता का काफी विरोध भी झेलना पड़ा। एक महिला का कहना था यहाँ अच्छी दवाई मिलती है, इस पर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह से इलाज किया जा रहा है। एडिशनल सीएमओ ने बताया कि किसी ने वीडियो वायरल किया है जो अब जिला अधिकारी के संज्ञान में आया है। यहां आकर हमने निरीक्षण किया तो पाया कि जो वीडियो में दिखाया गया था हालात बिल्कुल वैसे थे, और इसी के चलते हॉस्पिटल को सील करने की कार्यवाही की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार, एडिशनल सीएमओ जी। एक किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? सर, यहाँ पर शिकायत हुई थी कि यहाँ पर 44 मरीज यहाँ पर भर्ती किए गए, तो रोड के किनारे पड़ रहे हैं, तो किसी ने वीडियो वायरल किया, डीएम साहब के पास शिकायत पहुंची, तो उनके आदेश में उसको सील कर लिया जी।